तो आज के इस वीडियो में हम लोग कॉलेज प्लेसमेंट के स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। चाहे आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो या थर्ड ईयर में हो, आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आधे से ज़्यादा बच्चों को ये पता ही नहीं रहता कि हम लोग कॉलेज में किस तरह से प्लेसमेंट ले सकते हैं, प्लेसमेंट का प्रोसेस क्या है, एंड हम ऐसा क्या करें कि जो है मेरा अच्छा जगह प्लेसमेंट लग जाए, अच्छा पैकेज में प्लेसमेंट लग जाए। तो आज के इस वीडियो में हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। तो कैसे आप लोग, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो स्टूडेंट पॉलिटेक्निक कर रहे हैं या फिर इंजीनियरिंग कर रहे हैं, क्योंकि आप अगर एडमिशन ले रहे हैं पॉलिटेक्निक में, या फिर आप फर्स्ट ईयर में है, या फिर आप सेकंड ईयर में है, या फिर आप थर्ड ईयर में ही क्यों ना हो, आप लोग का एंड द एंड गोल यही रहता है कि हम लोग का जो है अच्छा जगह प्लेसमेंट लग जाए, अच्छा पैकेज का जॉब लग जाए। तो ये जो प्लेसमेंट होता है, प्लेसमेंट का जो प्रोसेस है ना, वो बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं रहता है। तो अगर आपको प्लेसमेंट का प्रोसेस ही नहीं पता है, तो आप ये तो भूल ही जाइए कि आपका जो है अच्छा जगह प्लेसमेंट लगेगा। तो एक अच्छा जगह प्लेसमेंट लेने के लिए या फिर कॉलेज में प्लेसमेंट लेने के लिए आपको सबसे पहले प्लेसमेंट का प्रोसेस पता होना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट क्या करते हैं लास्ट ईयर में, अगर वो कंपनी में जाते हैं, कंपनी में बैठते हैं, बट वो उसके लिए एलिजिबल ही नहीं रहते, वो उसके लिए प्रिपेयर ही नहीं रहते, तो वो वहीं पर जो है रिजेक्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए, एंड आप लोग को जो प्लेसमेंट है, प्लेसमेंट के रिगार्डिंग सारा चीज़ जानने को मिलेगा, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में बताऊंगी। एंड अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जब भी हम लोग जो है कॉलेज में एडमिशन लेते हैं फर्स्ट ईयर में, तो हम लोग का एट द एंड गोल ये रहता है कि हम लोग का एक अच्छा जगह प्लेसमेंट हो जाए। तो एक अच्छा जगह प्लेसमेंट लगने के लिए हम लोग को जो है अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर से ही अच्छे से प्रिपेयर होना पड़ता है, ठीक है। अगर आप लास्ट ईयर में है तो भी ठीक है अभी, बट अगर आप अभी न्यू कॉलेज में एंटर कर रहे हैं ना, तो आप फर्स्ट ईयर से ही कुछ चीज़ों को मेंटेन रखना पड़ता है, जिससे आपके आगे आने वाले प्लेसमेंट में कोई दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले तो आप चाहे फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में है, या लास्ट ईयर में है, अगर आप इस साल प्लेसमेंट लेने वाले हैं, तो आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि आपके कॉलेज में कौन कौन सी कंपनीज आ रही है। ये आपका पहला स्टेप हो गया, ठीक है। कौन कौन सी कंपनीज आपके कॉलेज में आ रही है, एंड कौन सी कंपनीज कितना पैकेज देती है, कौन सी कंपनीज का क्या लोकेशन है, ये सारा चीज़ जो है आपको जानकारी लेके रखना होगा। एंड जो है लास्ट ईयर कौन कौन सी कंपनीज आई थी, लास्ट ईयर कंपनी का रिव्यू क्या रहा, वो आपको अपने सीनियर से भी जान लेना है, ठीक। तो जो कंपनी के बारे में आपको एक ओवरव्यू पता होना चाहिए, तभी आप जो है प्लेसमेंट के लिए रेडी हो पाएंगे, एंड आपको तभी आप डिसाइड कर पाएंगे कि हम जो है किस कंपनी में बैठे, मेरे लिए कौन सा कंपनी अच्छा है, ओके। तो ये आपका पहला स्टेप हो गया। दूसरा जो रहता है ना, वो आपका ये रहता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो लास्ट ईयर में चल तो जाते हैं प्लेसमेंट के लिए, वो बैठना तो चाहते हैं, बट उनका जो एक मिनिमम क्राइटेरिया रहता है प्लेसमेंट में बैठने के लिए, वो उसको फुलफिल ही नहीं कर पाते। तो जो आपका एक मिनिमम क्राइटेरिया रहता है किसी भी कंपनी के प्लेसमेंट में बैठने के लिए, वो 60% रहता है। तो कोई भी कंपनी जो है वो 60% से नीचे वालों को कंसिडर नहीं करती है, कोई कोई कंपनी करती है, बट जो मैक्सिमम कंपनी रहती है वो 60% से अपर वाले को ही कंसीडर करती है प्लेसमेंट में बैठने के लिए, एंड बहुत कम कंपनी ऐसी रहती है जो 60% से नीचे वालों को कंसीडर करती है, ठीक। तो आपको अपने फर्स्ट ईयर से ही आपका जो मार्क्स है उसको मेंटेन रखना पड़ता है। आप जब भी प्लेसमेंट में बैठ रहे हैं तो उस सेमेस्टर तक का आपका एग्रीगेट 60% होना चाहिए। तो ये हर एक कंपनी का एक मिनिमम क्राइटेरिया होता है, एंड कोई कंपनी का और भी ज़्यादा होता है, बट मिनिमम क्राइटेरिया यही है। साथ ही कंपनी का क्राइटेरिया ये भी रहता है कि आपका कोई भी एक्टिव बैकलॉग नहीं होना चाहिए। आप जब भी प्लेसमेंट में बैठ रहे हैं तो आपका जो बैकलॉग है वो क्लियर हो जाना चाहिए। साथ ही जो है आपका ईयर गैप भी नहीं लगा होना चाहिए, ओके। तो ये आपका किसी भी कंपनी का एक मिनिमम क्राइटेरिया हो गया। अब हम लोग बात करते हैं कि जो प्लेसमेंट आपका होता है जब आप लास्ट ईयर में जाते हैं, तो लास्ट ईयर से आपका प्लेसमेंट स्टार्ट होता है, ओके। तो लास्ट ईयर से जैसे ही आपके कॉलेज में कंपनी आना शुरू करती है, तो आपको जो है कॉलेज से पहले इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि अभी जो है ये कंपनी आने वाली है, तो आपको उसके लिए पहले से प्रिपेयर होना पड़ता है। तो जो भी कंपनी आपके कॉलेज में आ रही है, आपको कॉलेज से जो भी पता चल रहा है, आप सबसे पहले उस कंपनी के बारे में अच्छे से जान लीजिए, उस कंपनी के बारे में थोड़ा सा छोटा सा ओवरव्यू आप लेकर रखें, ओके। फिर जब भी कंपनी आपके कॉलेज में आती है, तो सबसे पहले तो वो प्री प्लेसमेंट टॉक, ओके,
तो कंपनी आपको अपने कंपनी के बारे में बताती है, वो क्या क्या फैसिलिटी देगी, क्या क्या आपको अकोमोडेशन देगी, आपका सैलरी स्ट्रक्चर, हर चीज़ के बारे में सबसे पहले कंपनी बताती है। उसके बाद ही आपका आगे का प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो जब भी कंपनी आपको ये सारे चीज़ बताएगी तो आपको ये सारे चीज़ को ध्यान से सुनना है, क्योंकि जब भी आपका आगे का प्रोसेस होगा तो इस चीज़ से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं। ओके, तो प्री प्लेसमेंट टॉक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये हो सकता है कि कंपनी आपका ऑनलाइन बताए या फिर हो सकता है कि ऑफलाइन भी बताए। ओके, उसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप है ऑनलाइन असेसमेंट या ऑफलाइन असेसमेंट। तो बहुत सारी कंपनीज क्या करती है, आपके कॉलेज में आती है एंड वो कॉलेज में जो है जो आपका असेसमेंट होता है, रिटर्न टेस्ट होता है, वो आपका कॉलेज में लेती है। एंड बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती है जो कि आपका ऑनलाइन ही आपका रिटर्न टेस्ट लेती है। ठीक है, तो जो भी रिटर्न टेस्ट लेगी उसका जो सिलेबस रहता है, जो पैटर्न रहता है, वो आपका MCQ रहता है। जितने भी क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे वो सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। साथ ही अगर हम लोग ऑनलाइन असेसमेंट या ऑफलाइन असेसमेंट का सिलेबस का बात करें तो उसमें आपका जनरल एप्टीट्यूड रहता है, रीजनिंग रहता है, GK GS से क्वेश्चन रहता है, साथ ही आपके ब्रांच से रिलेटेड क्वेश्चन रहता है। ओके, तो 50% आपका ब्रांच से रिलेटेड रहेगा एंड 50% जनरल एप्टीट्यूड, GK GS, ये सबसे क्वेश्चन रहता है। तो ऐसा क्वेश्चन रहता है जो कि आप पढ़े हैं, आप जिस भी सेमेस्टर में है आपका सेमेस्टर से रिलेटेड ही रहता है एंड जनरल एप्टीट्यूड, GK GS, रीजनिंग, ये सब बेसिक बेसिक रहता है जो कि आप बना सकते हैं। ओके, तो जो रिटर्न टेस्ट रहता है ये एक इम्पॉर्टेंट है। अगर आप रिटर्न टेस्ट क्वालिफाई करते हैं तो ही कंपनी जो है आपको आगे के राउंड के लिए सिलेक्ट करती है। ओके, तो रिटर्न टेस्ट के बाद आपका जो नेक्स्ट प्रोसेस है, आपका इंटरव्यू राउंड। जो स्टूडेंट रिटर्न टेस्ट में क्वालिफाई करते हैं वो स्टूडेंट को बुलाया जाता है इंटरव्यू के लिए। तो इंटरव्यू राउंड के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका रेज्यूमे। तो कोई भी कंपनी जब आपका इंटरव्यू लेने के लिए आती है तो वो सबसे पहले आपका रिज्यूमे देखती है। अगर आपका रिज्यूमे जो है ना, ये आपका फर्स्ट इम्प्रेशन है। ओके, तो जो रिज्यूमे है, रिज्यूमे में आपका कुछ कुछ ऐसा चीज़ है जो कि आपको रिज्यूमे में मेंशन करना पड़ता है, लाइक आपका जो मार्क्स है आपका फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर अभी तक, जो आप जब प्लेसमेंट में बैठेंगे उस सेमेस्टर तक का मार्क्स, देन आपका क्वालिफिकेशन, आपका जो आप जो भी इंटर्नशिप किए हैं या फिर आप जो भी ट्रेनिंग किए हैं, साथ ही आप जो भी प्रोजेक्ट बनाए हैं, स्टूडेंट आपसे एक सेमेस्टर में आके उन लोगों का प्रोजेक्ट रहता है तो आप जो भी प्रोजेक्ट बनाए, प्रोजेक्ट से रिलेटेड बातें, एंड आपका अगर आप कोई और अदर स्किल्स किए हैं एंड आपका हॉबीज़, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है आपको अपने रिज्यूमे में मेंशन करना ही पड़ता है। एंड उसके बाद जो है जो आपका इंटरव्यू जो पूछा जाता है आपसे, तो इंटरव्यू में आपका सबसे मेन है आपका कम्युनिकेशन स्किल। चाहे आप इंटरव्यू इंग्लिश में दो, हिंदी में दो या किसी भी लैंग्वेज में दो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आप जो भी बोल रहे हो, आप जो भी इंटरव्यू आपसे जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है एंड आप उसका जो भी आंसर दे रहे हो, वो इंटरव्यूअर को समझ आना चाहिए। ठीक है, आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए, उनको समझ आना चाहिए। आप इंटरव्यू हिंदी में भी दे सकते हो, इंग्लिश में भी दे सकते हो, बट उनको आपका जो भी बोल रहे हो वो समझ आ जाना चाहिए। ओके, आप जो भी आंसर दोगे वो बस शॉर्ट वे में होना चाहिए। एंड अभी हम लोग बात करते हैं कि इंटरव्यू में आपका कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इंटरव्यू में आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपका टेक्निकल स्किल से रिलेटेड पूछा जाता है, लाइक आपने अभी तक जो जो पढ़ाई किया है उसमें आपने जो है क्या क्या पढ़ा है उससे रिलेटेड पूछा जाता है। कंपनी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, आप जिस भी कंपनी में इंटरव्यू दे रहे हो उस कंपनी से रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा। साथ ही आप जो भी ट्रेनिंग किए हो या फिर आप जो भी इंटर्नशिप किए हो उसके बारे में भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप वहाँ पे जो है क्या क्या किए हो, आप वहाँ पे कौन कौन सा चीज़ देखे हो, तो वो सबसे क्वेश्चन पूछा जाता है। साथ ही आप जो प्रोजेक्ट बनाते हो प्रोजेक्ट से रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, आप उस प्रोजेक्ट में क्या बनाए हो, कैसे किए हो, ये सबसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, तो जो इंटरव्यू राउंड रहता है बेसिकली ये जो है आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड को देखने के लिए इंटरव्यू आपका लिया जा रहा है, कि आप जो है सिचुएशन को किस तरह से हैंडल कर रहे हो ये देखने के लिए आपको इंटरव्यू लिया जा रहा है। ओके, तो इंटरव्यू में आपको क्या क्या चीज़ पढ़ना चाहिए एंड रिटर्न टेस्ट के लिए भी आपका क्या क्या सिलेबस है, अगर आपको वो जानना है तो आप नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में उस पर भी वीडियो लाऊंगी। ओके, तो इंटरव्यू आपका ये हो गया। एंड इंटरव्यू में भी आपका दो राउंड होता है, एक आपका टेक्निकल राउंड, एक HR राउंड। तो किसी किसी जगह पर तो HR राउंड और टेक्निकल राउंड अलग अलग होता है, बट कोई कोई इंटरव्यू में आपका HR और जो टेक्निकल राउंड वाले होते हैं वो दोनों साथ में बैठे रहते हैं, दोनों जो है साथ में आपका इंटरव्यू लेते हैं। तो जो HR राउंड में आपका बेसिकली आपका फैमिली बैकग्राउंड, आपका हॉबीज़, ये सबसे रिलेटेड आपका HR राउंड में पूछा जाता है। ओके,
तो एंड लास्ट में जो है आपका इंटरव्यू हो जाएगा, एंड लास्ट में जो है आपका वहीं से कंपनी से आपको बताया जाएगा कि आप सिलेक्ट हुए हैं या रिजेक्ट हुए हैं। एंड जब आप 6 सेमेस्टर पास आउट हो जाएंगे तब आपको जो है कंपनी आपको बुलाएगी कंपनी में ज्वाइन करने के लिए। ओके तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये आपका प्लेसमेंट से रिगार्डिंग प्रोसेस है। कॉलेज प्लेसमेंट में आपका किस तरह से आपका प्लेसमेंट होता है उससे रिलेटेड प्रोसेस है। एंड अगर आपको अच्छे प्लेसमेंट की अच्छे से तैयारी करनी है तो उसके लिए भी मैं आपको कुछ कुछ स्टेप बताऊंगी, एंड मैंने किस तरह से अपने प्लेसमेंट के लिए तैयारी की थी मैं वो भी आप लोगों को बताऊंगी। तो आप लोग नीचे कमेंट कीजिएगा अगर आप लोगों को जानना है तो। साथ ही अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं एंड मेरे टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।